So let's see our next question, which is if sine and then cot inverse x plus 1 is equals to cos and then tan inverse x, then we have to find the value x. All right. तो यहाँ पे हम लोग क्या कोई चीज़ सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमारे पास कोई वैल्यूज नहीं गिवन, यहाँ पे दोनों तरफ हमारे पास वेरिएबल्स ही गिवन, तो हम लोग यहाँ पे कोई सिंप्लीफिकेशन तो नहीं कर सकते, डायरेक्टली हम लोग पुट करने वाला काम करते हैं। ध्यान से देखिए, मैंने आपको सिखाया था जब कभी भी आपके पास यहाँ पे अलग चीज़ हो, यहाँ पे अलग चीज़ हो, तो आप क्या करेंगे, इस वैल्यू को कोई इस वाले ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का एंगल मान लेंगे, एंड देन सिमिलरली आप यहाँ पे भी क्या करेंगे, इस वैल्यू को कोई इस वाले ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का कोई एंगल अज्यूम कर लेंगे आप लोग। तो क्या करेंगे, फटाफट देखिए, आपने बोला पुट दिस इज एक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू वॉट, कॉट का थीटा, या फिर आप ये बोल सकते हैं ये पूरी चीज इज इक्वल टू थीटा एंड वॉट, एक्स इज इक्वल्स टू वॉट, दिस विल बिकम टैन का थीटा, या फिर आप ये बोल सकते हैं ये पूरी चीज इज इक्वल्स टू थीटा, मत माने बिकॉज दोनों एंगल्स अलग अलग माने जाएंगे, तो आप यहाँ पे कुछ और मान लीजिए, लेट्स से फाइव। ओके, तो ध्यान से देखिए, अब आपका मेन काम होगा कुछ भी करके अपनी पूरी पूरी इक्वेशन को या तो इसमें कन्वर्ट करना कॉट में, या फिर टैन में कन्वर्ट करना। ओके, तो ध्यान से देखिए, हम इसको बोल सकते हैं क्या, दिस विल बिकम साइन एंड दिस विल बिकम व्हाट, दिस विल बिकम थीटा। ओके, एंड इज इक्वल्स टू में आपके पास हो जाएगा यहाँ पे दिस विल बिकम कॉस, और ये आपके पास हो गया जाएगा फाइव। ओके, साइन और कॉस से तो आप लोग कॉट और टैन शायद नहीं बना पाएंगे क्योंकि सेम सेम एंगल्स नहीं है यहाँ पे, तो आप एक काम कीजिए, क्या हम इसको बोल सकते हैं वन अपॉन में कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू वन अपॉन में दिस इज सेक थीटा। ओके, इससे कोई फायदा होगा हमें? ऑल राइट, देखते हैं फायदा कुछ होता है कि नहीं होता। तो आप इसको बोल सकते हैं कि कोसेक थीटा इज इक्वल टू भी आपके पास सेक थीटा आएगा, बिकॉज आपने फिर से इन दोनों को रेसिप्रोकल कर लिया। कोसेक थीटा जो आपके पास होता है वो एक्चुअल में होता है वन प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा का अंडर रूट प्लस माइनस में। ओके, थीटा नहीं होगा यहाँ पे, फाइव होगा, ये भी देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। एंड देन ये आपके पास होता है प्लस माइनस में रूट के अंदर वन प्लस में टेन स्क्वायर फाइव। ओके, प्लस माइनस से प्लस माइनस हट जाएगा यहाँ पे, रूट से रूट भी यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको ऑप्टेन होगा वन प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू वॉट, वन प्लस में टेन स्क्वायर फाइव। नाउ वन से वन को भी आप लोग कर सकते हैं कैंसिल आउट। ओके, सो आपको ऑप्टेन हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब है एक्चुअल में एक्स प्लस वन की होल स्क्वायर। ओके, एंड देन टेन स्क्वायर फाइव का मतलब है एक्चुअल में क्या, एक्स की स्क्वायर। नाउ आपकी पूरी इक्वेशन एक्स के फॉर्मेट में आ गई, अब आपका मेन काम है सिंपली एक्स की वैल्यूज को फाइंड करना एंड देन वेरिफिकेशन वाला पार्ट करना। तो देखिए ध्यान से, ये आपको दे देगा एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ से आपको मिल जाएगा सिंपली एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर जब वहाँ जाएगा तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स इज इक्वल्स टू जीरो, तो ये दोनों टर्म्स से यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो आपको मिल जाएगा कितना, टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, और वी कैन से एक्स इज इक्वल्स टू माइनस का वन बाई टू। नाउ आपको करना पड़ेगा अब इसको वेरीफाई, तो वेरीफिकेशन के लिए आप क्या काम कीजिए, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है वेरीफाई करने का, तो आपको डायरेक्टली यही वेरीफाई करना पड़ेगा आपको। सो आप कीजिए प्लीज़ इसको वेरीफाई। सो वेरीफिकेशन आप लोगों ने किया, ये है आपके पास LHS, ये है आपके पास RHS, तो मैंने कहा पुट, पहले हमने किया x इज इक्वल्स टू माइनस हाफ इन LHS ऑफ फर्स्ट, तो देखिए आपके पास कैसे इसका आंसर आएगा, ध्यान से देखें, तो ये आपके पास हो जाएगा साइन एज इट इज एंड देन दिस विल बिकम कॉट इनवर्स, व्हाट, कॉट इनवर्स माइनस वन बाई टू प्लस वन। ओके, सो दिस विल बिकम साइन एंड देन कॉट इनवर्स व्हाट, ओनली वन बाई टू। अब आपको अगर इसको सॉल्व करना है तो आपको यहाँ पे भी साइन इनवर्स बनाना पड़ेगा, इसके लिए आपको ट्राइंगल ड्रॉ करना पड़ेगा इसका, तो इसका ट्राइंगल जब हमने ड्रॉ किया तो देखिए क्या पाया हमने, कॉट जो होता है वो होता है बी बाई पी, तो आपके पास आया टू अपॉन वन, आपको पता है टू की स्क्वायर होती है फोर, फोर प्लस वन मतलब होता है रूट फाइव। ओके, सो आपके पास ये हो जाएगा साइन एंड देन साइन इनवर्स पी बाई बी, यानी कि टू अपॉन रूट फाइव, तो अल्टीमेटली आपको टू बाई रूट फाइव मिल रहा है। इसको आप लोग होल्ड पे रखिए, अभी अब हम काम करते हैं क्या, आर एच एस में भी इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। तो हमने कहा पुट एक्स इज इक्वल्स टू माइनस हाफ इन आर एच एस ऑफ फर्स्ट, तो आपको ऑप्टेन हो जाएगा कॉस एज इट इज टैन इनवर्स एज इट इज एंड दिस विल बिकम माइनस का वन बाई टू। आपको पता है कि कॉस के, सॉरी, टैन के अंदर माइनस के वैल्यू का मतलब होता है कॉस एज इट इज माइनस का टैन इनवर्स वन बाई टू। ओके,
एंड देन आपको पता है कॉस के अंदर अगर माइनस का थीटा हो तो इसका आंसर कॉस थीटा ही होता है, तो ये हो जाएगा आपके पास कॉस एंड देन टैन वन बाई टू, टैन इनवर्स वन बाई टू। ओके, नाउ आपको अगर इसको सॉल्व करना है तो आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा कॉस इनवर्स, इसका ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं हम लोग, तो टैन जो होता है वो होता है पी बाई बी, तो अल्टीमेटली यहाँ भी आपके पास मिलने वाला है रूट फाइव, तो ये हो जाएगा आपके पास कॉस एज इट इज एंड देन कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स आपका होता है बी बाई एच यानी कि टू बाई रूट फाइव। तो ध्यान से देखिए यहाँ से भी आपको टू बाई रूट फाइव ही मिल रहा है, तो आप बोलेंगे सिंस एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आपके पास ऑप्टेन हो रहा है, देयर फोर वॉट एक्स इज इक्वल्स टू माइनस हाफ इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ वॉट गिवन इक्वेशन, इसको आप लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। ऑल राइट, सो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। आपको बस माइंड में रखना है कि जब आप कोई वैल्यू को सिंप्लीफाई नहीं कर पाते दैन डायरेक्टली आप लोग सब्सिट्यूट कर सकते हैं, एंड सब्सिट्यूट करने के बाद आप लोग कोशिश करें कि जो आपने सब्सिट्यूट किया है, जानते हैं कॉट आपने सब्सिट्यूट किया तो पूरी इक्वेशन में आप कहीं ना कहीं पर कॉट बना दें, और आपने अगर टैन सब्सिट्यूट किया तो पूरी इक्वेशन में कहीं ना कहीं पर आप टैन बना दें, ताकि आप लोग इनकी वैल्यूज को आराम से पुटअप कर सकें एक्स के फॉर्मेट में एंड देन अपने पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। ओके, सो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, इसको प्लीज़ आप लोग नोट डाउन कर लीजिए।